गुड इवनिंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। तो आज आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ, एक प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन का वीडियो है। हालांकि जैसे आपको पता है, मेरे राइड्स शुरू होने के चांसेस थे पिछले हफ्ते, लेकिन फिर अगेन गवर्नमेंट का प्लान चेंज हो गया, इसीलिए उस राइड को प्लान करने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा। सो बिफोर आई टॉक मोर अबाउट द प्रोडक्ट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आगे के सारे वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो द प्रोडक्ट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम BBG, दैट इज़ बाइकिंग ब्रदरहुड गियर्स। इट्स एन इंडियन कंपनी। अगर आपको पता नहीं होगा, उनकी अपनी खुद की साइट है, स्टोर फॉर राइडर्स, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे कई सारे साइट्स पर उनका प्रोडक्ट सेल होते हैं। उनके अलग अलग जैकेट्स है, राइडिंग बूट्स है, लगेजेस है, वुमन मैन वेयर है। सो प्लीज़ आप उनके साइट पर जाके चेक कीजिए। बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड थिंग, दिस इज़ समथिंग आई हैव इन्वेस्टेड इनटू एंड आई एम गोइंग टू जस्ट अनबॉक्सिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिव यू अ फर्स्ट इंप्रेशन। इसका रिव्यू वीडियो कुछ दिनों बाद ज़रूर मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तो आज जो ग्लव्स है उसका नाम है स्नेल आइकॉनिक ग्लव्स। दिस इज़ अ हाफ गॉन्टलेट ग्लव्स बाय BBG। मैंने ये ऑनलाइन खरीदे, उनका सेल चल रहा है, अगर आप तुरंत जाएंगे तो उनका एक सेल चल रहा है जहाँ पे तकरीबन ये 3000 के जो ग्लव्स है वो 1800 में मिल रहे हैं, और ग्लव्स का पूरा बैच ही है जो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मुझे जो बात वहाँ पर अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिकली इसे रीजन आउट किया है। हुआ ये है कि ये जो ग्लव्स है उनका जो फिंगर टिप है, जो टच सेंसिटिव, स्क्रीन टच सेंसिटिव फिंगर टिप है, वो कुछ दिनों बाद काम करना बंद करता है। देर इज़ सम इशू विद दैट मटेरियल, अदर देन दैट देर इज़ नो इशू इन द ग्लव्स, और ये उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है, और इसीलिए उस पर डिस्काउंट है, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर बैच पर क्लियरेंस है। सो इफ़ सेलफोन टच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन दिस इज़ अ श्योर शॉट ग्रैब, बिकॉज 3000 की चीज़ आपको 1800 में, 1600 में मिल रही है, 4500 के ग्लव्स आपको 2200-2500 में मिल रहे हैं। सो प्लीज़ गो एंड ग्रैब दोज ग्लव्स। सो लेट्स नॉट टॉक मोर अबाउट द प्रोडक्ट, लेट्स सी वॉट इट इज़। सो इट कम्स इन दिस पाउच, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इट कम्स इन दिस पाउच, एक ब्लैक पाउच में आता है, एंड देन देर आर टू क्लिप्स। आई ऑर्डर्ड दिस ग्लव्स ऑनलाइन, और जब मैंने उसे अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के साथ इसे मेजर किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि एल साइज़ के मुझे ग्लव्स आएंगे, बट आई वुड लाइक टू मैंशन दैट हियर कि BBG कस्टमर केयर इज़ रियली वेरी गुड। उनका एटलीस्ट खरीदारी तक तो सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि दे बाई देमसेल्फ कॉन्टेक्टेड मी आफ्टर सम टाइम रिगार्डिंग टू थिंग्स। नंबर वन, दे आस्क मी टू री मेजर इट एंड गिव देम द मेजरमेंट, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको एल साइज नहीं बल्कि XXL या XL साइज आएगा। आप यहाँ पर चैट वो देख सकते हो व्हाट्सएप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सेकेंडली, दे ऑल्सो गॉट इन टच विथ मी कपल ऑफ टाइम्स वेन द लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड। इनिशियली दे सेड इट विल बी शिफ्ट बाई 30th of June, बट देन दर लॉकडाउन अगेन इंक्रीज टू आई गेस 5th of July। सो दे कॉन्टेक्टेड मी सेइंग कि सर 6 जुलाई को शिप हो जाएगा, उसके बाद जो भी कुरियर का स्पेस है उसमें आ जाएगा, और विद इन फ्यू डेज ये आ गया था। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस ग्लव्स। टॉकिंग अबाउट द बैक साइड ऑफ द ग्लव्स, विद द ग्लव्स वी हैव टू स्टिकर्स विच सेज जेन्यून लेदर, और जो भी ग्लव्स का जो भी प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव फैब्रिक है, वेयर रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंट, वाटर एंड डस्ट रिपेलेंट है, डर्ट रिपेलेंट, इट्स नॉट वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट, प्योर लेदर से बने हुए ग्लव्स है। अगर ग्लव्स का पाम साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, यहाँ पर एक टच सेंसिटिव पैच है जिससे आप स्क्रीन टच कर सकते हो, सेलफोन यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ गुड फॉर सिटी राइडिंग, कम्यूटर राइडिंग, यू नो। सेकेंडली, यहाँ पर एक ग्रिप दिया हुआ है जिससे आप आसानी से उसे ग्रिप कर सकते हो। देन देर इज़ अ हार्ड सर्फेस एज यू कैन सी, एंड अदर देन दैट पाम पे यहाँ पर एक और सॉफ्ट कुशनिंग दिया हुआ है। हालाँकि जब मैंने ये कुशनिंग देखा साइड पे, तो मुझे भी ये हार्ड पार्ट ही लगा था, तो दैट इज़ वाई यू नो आई एम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग। एंड देन दे हैव लिटिल बिट ऑफ गॉन्टलेट स्टफ हियर, और यहाँ पर वेलक्रो दिया हुआ है विच इज़ अगेन ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। अदर देन दैट दे हैव अ क्लिप हियर, एज यू कैन सी देर इज़ अ क्लिप हियर एज आई कैन शो यू, एंड इट्स अ टू वे क्लिप। सो आप क्या कर सकते हो, इसे एक तरह से एक साइड से इसे दूसरे ग्लव्स के साथ इसे अटका सकते हो, एंड द अदर साइड विच रिमेन्स एम्प्टी यू कैन हैंग इट टू योर जैकेट और टू द बैग व्हेन यू आर नॉट यू नो डूइंग समथिंग विच वेयर यू डोंट नीड ग्लव्स।
अदर देन दैट इफ यू कैन सी देर इज अ सॉफ्ट मटेरियल लिटिल बिट कुशनिंग ऑन द पिंकी फिंगर इट्सेल्फ सो दैट इज अगेन गुड. कमिंग टू द बैक साइड ऑफ द ग्लव्स, यहाँ पर हार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है जिसमें एयर वेंट्स भी है. एज यू कैन सी अगर आप इस कैमरा एंगल में देख पा रहे हो तो इसमें यू नो हार्ड ये दिया हुआ है, एयरवेंट्स दिए हुए हैं. सेकेंडली फिंगर पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फिंगर पे दे हैव अगेन हार्ड मटेरियल इनकेस हम लोग गिरते हैं तो. एंड देर इज अ स्ट्रेचेबल मटेरियल वेयर योर फिंगर्स आर गोइंग टू स्ट्रेच. अदर देन दैट ऑन योर अपर साइड ऑफ योर रिस्ट देर इज अगेन अ कुशनिंग एज यू कैन सी, जो कि बहुत अच्छा है. सेकेंडली जब मैं इसे अंदर से हाथ लगा रहा हूँ, इफ़ यू कैन सी यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कुशनिंग दिया हुआ है उन्होंने. लेट्स नाउ वेयर देम एंड सी. ओके नाइस, दिस इज अ परफेक्ट फिट फॉर मी एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव लिसन्ड टू देम. दिस सीम्स टू बी अ परफेक्ट फिट. हाथों की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसके बाद. मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट है जो उन्होंने बताया था. डबल एक्सेल अगर लार्ज होता तो शायद मुझे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी फिंगर टच हो रहा है. थोड़े से मुझे ये विड्थ में लूज लग रहे हैं. दे आर नॉट वेरी स्नग फिट इन टर्म्स ऑफ विड्थ, बट हाइट में परफेक्टली फिट हो चुके हैं मुझे मेरे फिंगर्स को. यू नो बराबर रिस्ट पे ये लाइनिंग आ रहा है और ये वाला भी लाइनिंग बराबर रिस्ट पे आ रहा है. इट्स लुकिंग रियली वेरी गुड. दे आर नॉट वाटर प्रूफ, दे डोंट से दैट इज़ दे आर वाटर प्रूफ, बट दे आर वाटर रिपेलेंट. यानी कि यू नो थोड़ा सा भीग भीग जाएगा तो कुछ होगा नहीं इसे, आप इसे पोंछ के वापस से रख सकते हो. वॉट आई लाइक्ड हियर इज़ यू नो स्टिचिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी. कहीं पर भी लूज एंड्स मुझे स्टिचेस में दिख नहीं रहे हैं एज ऑफ नाउ, शायद थोड़े दिनों बाद दिख सके. सो ऑल इन ऑल द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ रियली वेरी गुड विद दिस. दीज आर टू बी ऑनेस्ट वेरी नाइस ग्लव्स फॉर सिटी कम्यूट. आप इसे एक्सटर्नल राइड्स पर भी यूज़ कर सकते हो. ऑब्वियसली रेन में इनका उतना यूज़ नहीं है, बट आप इसे टूरिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. एज यू कैन सी यू नो ये हार्ड मेश है. एक ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि यहाँ पर अगर एक और हार्ड पार्ट होता तो मैं इससे काफ़ी खुश होता, क्योंकि यू नो जब हम गिरते हैं तो हम ऐसे गिर के आगे जाते हैं. यू नो अगर मैं ऐसे भी गिरता हूँ तो एज यू कैन हियर यू नो ये पूरा हार्ड मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे. सो ऑल इन ऑल मुझे इसका लुक एंड फील काफ़ी पसंद आया. हाथों का विड्थ मेरे अचानक से बढ़ गया है. मैं आपको मेरा असली हाथ का साइज़ और ग्लव्स का साइज़ दिखाता हूँ. सी हाथ मेरा इतू सा है और ये ऑलमोस्ट डबल द हैंड हो गया. इस पर जगह है, मैं ये नहीं कहूँगा डबल एक्सेल होने की वजह से शायद इसमें जगह है. शायद मैं थोड़ा पतला हूँ इसके वजह से ये हो रहा है. तो किसी मोटे इंसान का हाथ इतना बड़ा होगा मेरे हाइट का. मैं ऑलमोस्ट आई एम 6 feet. सो ये हाथ फिट हो सकता है. थोड़ा सा मुझे ये ओवर द टॉप लग रहा है, बट इन दिस केस ये मेरे एडवांटेज में वर्क कर सकता है. अगर मैं कल को विंटर में जाता हूँ बाहर तो आई कैन वेयर इनसाइड अनदर ग्लव, लाइक यू नो क्लॉथ ग्लव एंड राइडेड, बिकॉज यू नो ठंड नहीं लगेगी. तो मेरे लिए एक छोटा सा एडवांटेज है. और आई कैन यूज़ यू नो रबर ग्लव्स. ये जो पार्ट है इसके बारे में आपको मैं एक इसका एक जुगाड़ है. आप इसे टच सेंसिटिव बना सकते हैं, वो मैं आपको किसी दिन ज़रूर बताऊँगा. मैंने ये पहले भी ट्राई किया है, थोड़ा सा टीडियस है वो, बट दैट्स फन. सो ऑल इन ऑल दिस वॉज द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ BBG स्नेल राइडिंग ग्लव्स. दिस इज रेड कलर, देर आर अदर कलर्स इन इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें. नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. जल्दी मैं इसका रिव्यू लेके आऊँगा जब मैं इसे एक या दो राइड में एटलीस्ट एक महीने भर यूज़ कर लूँगा इसे मैं. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ और मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, या तो फिल्म के एक्सप्रेशन के साथ, या तो होपफुली अगर मैंने राइड की तो राइड के वीडियोस के साथ, या तो ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के साथ. तब तक स्टे होम और गो आउट, बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग ऑन. प्लीज़ वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर्स एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.